खबर चमोली से है, जहां भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे 5 दिनों से अवरुद्ध था। वहीं बद्रीनाथ हाईवे मंगलवार को छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। यह हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड आने वाले तीर्थयात्रियों को के साथ नंदप्रयाग की तरफ से गोपेश्वर जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा नंदप्रयाग में हाईवे अभी भी स्थायी तौर पर नहीं खुल पाया है। अगर फिर बारिश होती है तो इसी जगह पर हाईवे अवरुद्ध होने की आशंका बनी हुई है। बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश से पार्थ डीप में हुए भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया था। मलबा अधिक होने के कारण और पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन मशीन ऑपरेटरों के लिए जान का जोखिम बना हुआ था, जिसके चलते सड़क को खोलने में 5 दिनों का समय लगा। वहीं सड़क खुलने की राह ताक रहे ट्रक ड्राइवरों सहित स्थानीय लोगों ने एक बार फिर राहत की सांस ली है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।